अच्छा, हमारे पास जो वेव वाइंडिंग होता है तो इसमें हम इक्वलाइजर रिंग यूज नहीं करते हैं, ओके, अनलाइक गैप वाइंडिंग, इक्वलाइजर रिंग। सो ये एक रिंग होता है, ओके, कॉपर से बना होता है जो कि बेस कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और ये हम सर्कुलेटिंग करंट के यूज करते हैं अक्सर। हमारे पास वाइंडिंग में इस तरह का सिचुएशन आ जाता है जिसकी वजह से हमारे पास करंट सर्कुलेट कर रहा होता है, तो उसके लिए हम इक्वलाइजर रिंग यूज करते हैं क्योंकि वो आपके ब्रशेज को इफेक्ट करेगा। तो वेव वाइंडिंग में हम इक्वलाइजर रिंग को यूज नहीं करते हैं, जबकि लैप वाइंडिंग में हम इक्वलाइजर रिंग को यूज करेंगे। वो क्यों यूज करेंगे वो उस टॉपिक में मैं काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियरिंग वर्ल्ड बाय नवीद। सो आज की लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम मैंने कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने सारे कंपोनेंट्स, जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स थे, उनको मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो काइंडली आप मेरे चैनल पे चले जाओ, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में चले जाओ, और प्लेलिस्ट में आप इलेक्ट्रिकल मशीन का एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे आप विज़िट कर लो। तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल मशीन से जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी मैंने अपने ट्यूटोरियल्स बनाए हैं, तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सो आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग को डिस्कस करेंगे। ओके, सो टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग, तो आज हमने इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करना है। ओके, सो हमारे पास जो आर्मेचर वाइंडिंग होते हैं, अच्छा आर्मेचर वाइंडिंग किसको कहते हैं, ये लास्ट टाइम मैंने काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया था, तो आज इसके टाइप्स को पढ़ेंगे। तो इनके बेसिकली हमारे पास जो आर्मेचर होते हैं उसके दो टाइप्स होते हैं। वन इज़ नोन एज दी वेव वाइंडिंग एंड द सेकेंड वन इज नोन एज द लैप वाइंडिंग। तो हमारे पास जो सबसे पहले आ जाते हैं वेव वाइंडिंग की तरफ, तो वेव वाइंडिंग एक ऐसा वाइंडिंग है जिसमें हमारे पास दो पैरेलल पाथ्स होते हैं। ओके, यानी इसमें आपका जो पैरेलल पाथ होता है वो नंबर ऑफ पोल्स वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। बस आपने जब भी वेव वाइंडिंग करनी है तो आपने पैरेलल पाथ्स कितने बनाने हैं, दैट इज टू। ओके, तो इसमें हमारे पास दो पैरेलल पाथ्स होते हैं, और इस वाइंडिंग को हम ज़्यादातर हाई वोल्टेज के लिए, अगर डिमांड आ जाए कि आप ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन बना लो जिसमें आपने मशीन में अगर जनरेटर होगा तो आपने ऐसा मशीन में जो हाई वोल्टेज आपको जनरेट कर ले, या मशीन अगर मोटर होगा तो वो ऐसा मोटर होना चाहिए जिसका वोल्टेज, जिसकी वोल्टेज रेटिंग वो बहुत हाई होनी चाहिए। ओके, तो हाई वोल्टेज के लिए हम फिर वेव वाइंडिंग करते हैं। ओके, वेव वाइंडिंग हमारे पास इसका जो डायग्राम होता है वो बेसिकली इस तरह होता है कि हमारे पास दो ब्रशेज होते हैं। ओके, ये मेरे पास माइनस साइन हो जाएगा, इसका पॉजिटिव हो जाएगा, और ये करंट फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। नेगेटिव साइन मींस के करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, और पॉजिटिव साइन मींस के करंट का फ्लो आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड फ्रॉम द ब्रश, एंड इट विल बी इनवर्ड टू द ब्रश। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह होता है कि दो पैरेलल पाथ होते हैं, तो मैंने दो पैरेलल पाथ यहाँ से लेने, और यहाँ पे मैंने वाइंडिंग इस तरह सीरीज में बाकी वाइंडिंग करनी है, उसके बाद मैं पैरेलल इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे भी सीरीज वाइंडिंग। ओके, और यहाँ पे ब्रश के साथ आप इसको कनेक्ट कर लोगे। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास बाहर आउटसाइड पे मेरे पास लोड होते हैं। ओके, यहाँ पे मुझे टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा, दैट इज़ वी टी।
दिस इज वी टी मीन्स टर्मिनल वोल्टेज, और यहाँ पे लेट से मैं रजिस्टर को ले लेता हूँ कि वो मेरा एक लोड है, ओके तो दिस इज रजिस्टर, ओके सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई आर, सॉरी। अच्छा यहाँ पे लेट से अगर यहाँ पे मेरे पास करंट जो है वो आई ए है, तो यहाँ पे करंट आपका आई ए बाय टू हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपका करंट आई ए बाय टू हो जाएगा, ओके। अच्छा अगर मेरे पास कंडक्टर्स टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स इज जेड, ओके लेट से मेरे पास जो टोटल कंडक्टर्स हैं जो मैंने डीसी जनरेटर में इंसर्ट करना है, तो वो टोटल कंडक्टर ये है, तो यहाँ पे मेरे पास जो कंडक्टर्स होंगे वो जेड बाय टू हो जाएगा, यानी हाफ कंडक्टर यहाँ पे आ जाएगा और हाफ कंडक्टर आपका इस साइड पे आ जाएगा। ईएमएफ जो जनरेट होगा यहाँ पे दैट इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ दिस पैरेलल पाथ और दिस पैरेलल, सो योर ईएमएफ, योर ईएमएफ विल बी इक्वल टू योर ईएमएफ जनरेटेड, दैट्स विल बी इक्वल टू ईएमएफ पर पैरेलल पाथ, ओके। अच्छा हमारे पास जो वेव वाइंडिंग होता है तो इसमें हम इक्वलाइजर रिंग यूज नहीं करते हैं, ओके, अनलाइक लैप वाइंडिंग इक्वलाइजर रिंग। सो ये एक रिंग होता है, ओके, कॉपर से बना होता है जो कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और ये हम सर्कुलेटिंग करंट के लिए यूज़ करते हैं अक्सर हमारे पास वाइंडिंग में इस तरह का सिचुएशन आ जाता है जिसकी वजह से हमारे पास करंट सर्कुलेट कर रहा होता है, तो उसके लिए हम फिर इक्वलाइजर रिंग यूज़ करते हैं क्योंकि वो आपके ब्रशेस को अफेक्ट करेगा। तो वेव वाइंडिंग में हम इक्वलाइजर रिंग को यूज़ नहीं करते हैं, जबकि लैप वाइंडिंग में हम इक्वलाइजर रिंग को यूज़ करेंगे। वो क्यों यूज़ करेंगे वो उस टॉपिक में मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूँगा, ओके। सो अच्छा वेव वाइंडिंग में हमारे पास इक्वलाइजर रिंग यूज़ नहीं होता, ये आप याद रखो, ओके। अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है कि आपका इक्वलाइजर रिंग कहाँ पे यूज़ होगा, इट विल बी यूज इन वेव वाइंडिंग, इट विल बी यूज इन लैप वाइंडिंग और बोथ और नॉन ऑफ दीज, तो वहाँ पर आपने जस्ट लैप वाइंडिंग करना है कि इक्वलाइजर रिंग मेरे पास लैप वाइंडिंग में यूज़ होगा, ओके। अच्छा जो मेरे पास वेव वाइंडिंग होता है वो किस तरह का होता है, तो वो आपका कुछ इस तरह का होता है कि ये कंडक्टर हो गया, ओके, ये एंड कनेक्शन हो गया, ये इस तरह और ये इस तरह, तो ये हो गया इस तरह, ओके, और इस तरह आगे चलते चलते आपके सारे पोल्स को ये कवर करेगा। तो यहाँ पे ये बात आप जहन में रखो कि यहाँ पे मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ कि सारे पोल्स को कवर करेगा, तो जबकि लैप वाइंडिंग में सारे पोर्स को कवर नहीं करता, ओके। सो यहाँ पे मेरे पास हम कनेक्शन देते हैं यहाँ से कमोटेटर को, ओके, यहाँ से मैं कनेक्शन लूँगा कमोटेटर के लिए, और यहाँ से भी हम कनेक्शन देते हैं कमोटेटर के लिए। सो इस डिस्टेंस को हम, अच्छा डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल पाथ इज योर कमोटेटर पिच, ओके, दैट इज़ रिप्रेजेंट बाय YC, उसको मैं YC से रिप्रेजेंट करता हूँ। अच्छा ये मेरे पास फ्रंट पिच हो जाएगा और ये मेरे पास बैक पिच हो जाएगा, ओके, YB से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। अच्छा वेव वाइंडिंग में आपका जो बैक पिच होता है और जो फ्रंट पिच होता है, तो ये हमेशा आपका क्या होगा, ये हमेशा आपका ओड होगा, ओड नंबर होगा, ओके, एंड वाई एफ, ये हमेशा आपका ओड नंबर होगा। जबकि हमारे पास एवरेज पिच क्या होता है वेव वाइंडिंग का, तो आपके वेव वाइंडिंग का जो एवरेज पिच होता है डेट इज द एवरेज ऑफ दीज टू, सो वाई बी प्लस वाई एफ डिवाइड बाई टू, ओके, एंड और ये इक्वल होता है जेड प्लस माइनस टू
divided by P, where Z is the number of conductors, total number of conductors, P is the number of poles, and this is plus minus 2. Plus is used for progressive winding and winding, and minus is used for, okay, यहाँ पे mostly हम 2 के साथ MB यूज करते हैं अक्सर. तो आपका जो M होता है that is basically आपको winding का, कि आपका winding your M will be equal to 1 for simplex. Simplex winding means कि आपका एक slots में एक winding जा रहे हैं. M is equal to 2 for duplex winding. Duplex means कि आपके slots में दो वायर्स जाने, ओके, एक ही स्लॉट्स में आके दो वायर्स जाने. अच्छा, तो आपका जो एवरेज होगा, एवरेज ये तो आपका दोनों ऑड में होंगे, ओके, लेकिन एवरेज आपका इट कैन बी आदर इवन और ऑड. तो ये भी अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि आपका जो एवरेज पिच होता है ऑफ वेव वाइंडिंग, तो वो क्या होता है, वो आपका ऑड होता है, इवन होता है, या बोथ ऑड और इवन होता है. तो ये ऑड और इवन होगा. कैसे होगा, लेट से ये आपका वाई बी, आपका लेट से मैंने फाइंड करना एवरेज, और वाई बी मेरे पास 5 है, ओके, और जो मेरे पास वाई एफ है वो 3 है, ओके. तो दोनों ओड है, डिवाइड बाय 2 मैं कर लेता हूँ, तो 8 बाय 2 हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू 4. तो ये इवन आ गया, ओके. लेकिन अगर मैं इसको वाई बी को मैं अगर YB को मैं अगर 5 ले लूं, सॉरी इसको अगर मैं 7 ले लूं, और YC को मैं अगर 3 ले लूं, ओके, तो दोनों ऑड नंबर हैं, तो आपका एवरेज क्या आएगा, 7 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 दैट्स इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 2 दैट्स इक्वल टू 5. सो ये आपका ऑड हो गया. सो इट मीन्स दैट आपका जो एवरेज पिच होता है इट कैन बी इवन और ओड, लेकिन आपका बैक और फ्रंट पिच जो होता है वो आपका ओड होगा, ओके, ओड नंबर, इवन नंबर नहीं होता है, ओके. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द वेव वाइंडिंग. अब आ जाते हैं लैप वाइंडिंग की तरफ. अच्छा, आपका जो लैप वाइंडिंग होता है इसमें आपके पैरेलल पाथ्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पोल्स, ओके, ये आपके नंबर ऑफ पोल्स पे डिपेंड करता है. लेट से आपके पोल्स 4 हैं तो आपके पैरेलल पाथ्स भी 4 होंगे, ओके. अगर आपके पोल्स 8 हैं तो आपके पैरेलल पाथ भी 8 होंगे, ओके. सो इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पोल. लेकिन लेट से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 4 पोल्स ले लेता हूँ, ओके. तो मैं इसके डायग्राम को ड्रॉ करूँ. ये मेरे पास ब्रशेस हो गए, ओके, दिस इज़ पॉजिटिव. यहाँ पे मेरे पास ब्रश हो गया, दिस इज़ नेगेटिव ब्रश, ओके. तो यहाँ पे मेरे पास वाइंडिंग हो जाएंगी, वन, दिस इज सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. ओके, यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव है तो यहाँ पे, अच्छा, मैं वही लोड ले लेता हूँ. यहाँ पे मेरे पास करंट आउटवर्ड की तरफ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास करंट इन टू दी ब्रश आएगा, ओके. यहाँ पे मैं लोड कनेक्ट कर लेता हूँ. लेट से मेरे पास लोड रेजिस्टर है. यहाँ पे अगर करंट आई ए होगा और यहाँ पे भी अगर करंट आई ए होगा तो यहाँ पे करंट क्या होगा, दैट इज आई ए बाय पी भी कह सकता हूँ, या आई पी, अब डिपेंड करता है आपका पी क्या होगा, ओके. यहाँ पे तो मैंने पी को 4 ले लिया तो आप आई ए बाय 4 हो जाएगा. यहाँ पे आपका आई ए बाय पी सेम, और यहाँ पे भी आई ए बाय पी, यहाँ पे भी आई ए बाय पी हो जाएगा. सो यहाँ पे लैप वाइंडिंग
की डिमांड कब आएगी, लैप वाइंडिंग की डिमांड तब आएगी कि अगर आपने हाई करंट को जनरेट करना है, ओके, या हाई करंट रेटिंग का मोटर आपने बनाना है तो आपने लैप वाइंडिंग को यूज़ करना है वहाँ पे, ओके। तो लैप वाइंडिंग हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें हाई करंट की ज़रूरत पड़ती है, ओके। यहाँ पे मेरे पास दिस इज़ रेजिस्टर, तो ये मेरे पास टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा। तो ईएमएफ जो जनरेट होगा दैट इज़ आल्सो इक्वल टू दी योर ईएमएफ, जिस तरह मैंने लैप वाइंडिंग में किया था कि ईएमएफ जनरेटेड दैट्स इक्वल टू ईएमएफ पर पैरेलल पाथ, ओके। जो एक पैरेलल पाथ में ईएमएफ आपका जनरेट होगा तो वो आपका ईएमएफ जनरेटेड यानी आउटपुट पर वो आपको एक ही ईएमएफ मिलेगा क्योंकि पैरेलल में, तो यहाँ पे ईएमएफ दैट्स विल बी इक्वल टू दिस ईएमएफ दैट्स विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस, ओके। यहाँ पे मेरे पास लेट्स से टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इज जेड, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा उस इसको मैं कहता हूँ जेड बाई पी, ओके। ये भी जेड बाई पी हो जाएगा, ये भी जेड बाई पी हो जाएगा और ये भी जेड बाई पी हो जाएगा। लेट से आपका जेड 24 है और पोल्स आपके 4 हैं, तो 24 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 6, तो 6 वाइंडिंग आपके यहाँ पे आ जाएंगे, 6 वाइंडिंग आपके यहाँ पे आ जाएंगे, 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, और इसी तरह आपके सारे वाइंडिंग्स कंप्लीट हो जाएंगे, ओके। दिस इज आर एल, इसको मैं लोड रेजिस्टेंस कह देता हूँ। अच्छा, जहाँ यहाँ पे जो करंट होगा तो आपका जो करंट आउटसाइड पे आई ए जो आएगा, तो आई ए विल बी इक्वल टू योर नंबर ऑफ पोल्स टाइम्स करंट पर पैरेलल पाथ, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास जो करंट है आई ए बाई पी इन वन पैरेलल पाथ, सो इट विल बी आई ए बाई पी टाइम्स पी, सो दैट्स इक्वल टू आई ए, ओके। सो आर्मेचर का करंट आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, लैप वाइंडिंग को ड्रॉ कर लेते हैं। लैप वाइंडिंग मेरे पास बेसिकली होता है इस तरह के, इस तरह ये चलता जाता है, ओके। अच्छा, जो मेरे पास लैप वाइंडिंग होता है तो लैप वाइंडिंग में ओवरलैपिंग होता है, ओके। जिस तरह मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया तो लैप वाइंडिंग में आपका ओवरलैपिंग होगा, ओके। एक वायर होगा, एक वाइंडिंग, फिर दूसरा वाइंडिंग उसके ऊपर ओवरलैप होगा, सो सेकेंड वाइंडिंग विल ओवरलैप ऑन द फर्स्ट वाइंडिंग। यहाँ पे मेरे पास जो पिच की अगर हम बात कर लें लैप वाइंडिंग में, तो ये मेरे पास फ्रंट पिच होगा, ओके। ये मेरे पास बैक पिच होगा, ये मेरे पास कम्यूटेटर पिच होगा। अच्छा, पिच ऑफ द वाइंडिंग यहाँ पे क्या होगा, तो पिच ऑफ द वाइंडिंग मेरे पास हो जाएगा आपके बैक पिच माइनस आपका फ्रंट पिच, ओके। और एवरेज उसी तरह होगा कि आपका एवरेज पिच जो होगा वो बैक पिच प्लस फ्रंट पिच डिवाइड बाय 2, ओके। सो दिस इज बेसिकली द पिच ऑफ द वाइंडिंग, ओके। और जो यहाँ पे कम्यूटेटर पिच होता है वो मेरे पास प्लस माइनस 1 के बराबर होता है, तो कांस्टेंट होता है, ओके, यहाँ पे। और यहाँ पे जो ब्रशेज होते हैं वो इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल्स होते हैं, ओके। जो आपके नंबर ऑफ ब्रशेज होंगे वो इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल्स होंगे, ओके। यहाँ पे मेरे पास पोल्स 4 थे, मैंने ब्रशेज 2 लिए हैं, लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए 2 लिए हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास 4 ब्रशेज होंगे, ओके। अगर 4 ब्रशेज को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ तो वो थोड़ा सा आपके लिए कम्प्लेक्स हो जाएगा, आप लोगों को समझ नहीं आएगी, लेकिन बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं लैप वाइंडिंग में, हमारे पास जो नंबर ऑफ ब्रशेज होते हैं दैट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल्स, ओके। जो ईएमएफ यहाँ पे हमारे पास जनरेट होता है दैट इज़ द ईएमएफ ऑफ वन पैरेलल पाथ। यहाँ पे सेम ये आपका ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों आपके ऑड होने चाहिए, ओके।
अच्छा, यहाँ पे एक दूसरी बात जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आपका EMF होगा तो वो सीरीज़ में ऐड अप होगा, ओके। EMF ऑफ दिस कॉइल प्लस दिस कॉइल प्लस दिस कॉइल, क्योंकि ये सारे सीरीज़ में, तो यहाँ पे इन सबको आप ऐड अप कर लो तो आपके पास एक EMF आ जाएगा। तो दैट्स EMF इज़ इक्वल टू दिस EMF बिकॉज द नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में सेम है। दैट्स आल्सो इक्वल टू दिस EMF एंड दिस EMF, ओके। तो पैरेलल में आपका सारा EMF सेम होगा। लेकिन यहाँ पे एक मसला आ जाता है जो मैंने आपको वेव वाइंडिंग में डिस्कस किया था कि यहाँ पे वेव वाइंडिंग में हम क्या करते हैं, इक्वलाइजर रिंग यूज़ नहीं करते हैं, और इक्वलाइजर रिंग हम सर्कुलेटिंग करंट के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सर्कुलेटिंग करंट नहीं होता जिसकी वजह से हम इक्वलाइजर रिंग यूज़ नहीं करते, ओके। यहाँ पे भी EMF आपका एड अप होगा, तो EMF प्लस दिस EMF, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस, ओके। क्योंकि यहाँ पे आपका जेड जो है वो क्या होता है, वो डिवाइड बाई टू होता है। तो लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे लिया था कि लेफ्ट से माई जेड इज़ इक्वल टू 24, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ पोल इज़ 4, सो आपके वन पैरेलल पास में कितने कॉल्स आ रहे हैं, दैट इज़ 6, ओके। या नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने आ रहे हैं, 6, लेकिन वेव वाइंडिंग में ज़्यादा आएंगे, तो ज़्यादा नंबर ऑफ कंडक्टर सीरीज में होंगे, ओके। सो वेव वाइंडिंग में आपका हो जाएगा 12, ओके। यहाँ पे 6 था, दिस इज़ 2 टाइम्स ऑफ लैप वाइंडिंग, तो यहाँ पे 2 था, 12 आपके कॉइल्स आ जाएंगे। तो 12 कॉइल्स की वजह से आपके ज़्यादा वोल्टेज सीरीज में हो जाएंगे, ओके। यानी 12, अगर एक कॉइल आपका 1 वोल्ट जनरेट कर रहा है तो 12 कॉइल्स कितने जनरेट करेंगे, डेट इज़ 12 वोल्ट, बिकॉज सारे कॉइल्स आपके सीरीज में, ओके, सारे एड अप हो जाएंगे। तो ये प्लस ये दोनों आपके 12 वोल्ट जनरेट करेगा, दिस विल जनरेट 12 वोल्ट एंड सिमिलरली दिस विल आल्सो जनरेट 12 वोल्ट, ओके। लेकिन यहाँ पे अच्छा उसकी तरफ आ जाते हैं, इक्वलाइजर रिंग की तरफ आ जाते हैं। तो ये इक्वलाइजर रिंग असल में सर्कुलेटिंग करंट क्या होता है, इसको आप लोग समझ लो। तो सर्कुलेटिंग करंट हमारे पास इसी तरह होता है कि इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके MCQs अक्सर आते हैं, तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो होपफुली इस वीडियो के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इक्वलाइजर रिंग, लेट्स से मेरे पास बैटरियाँ हैं, ओके, बैटरीज हैं मेरे पास, लेट्स से इन बैटरीज को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर लिए हैं, और सारे बैटरीज की जो रेटिंग है वो सेम है। यहाँ पे मेरे पास लोड हो जाएगा, तो सारे बैटरीज, लेट से ये भी 2 वोल्ट बैटरी है, ये भी 2 वोल्ट है और ये भी 2 वोल्ट है, तो आउटपुट में मुझे 2 वोल्ट देगा, लेकिन करंट हाई देगा। इसका करंट यहाँ पे ऐड अप हो जाएगा, ओके। आई ए, आई बी, आई सी, दिस इज लेट से सी बैटरी, दिस इज लेट से बी बैटरी एंड दिस इज लेट से ए बैटरी, ओके। तो यहाँ पे आपका करंट आई आ जाएगा, आई इज़ इक्वल टू आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी। अच्छा, अब अगर 2 वोल्ट दैट्स इक्वल टू दिस बैटरी रेटिंग, दैट्स आल्सो इक्वल टू दिस बैटरी रेटिंग, और ये आपके पैरेलल जो कनेक्शन है उनके कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में हमारे पास क्या होता है, वोल्टेज सेम होते हैं, ओके, करंट डिफरेंट होता है और वोल्टेज आपका सेम होता है, तो इक्वल जनरेट कर रहे हैं। लेकिन लेट से इस तरह हो गया कि एक मसला आ गया। मसला क्या आ गया, लेट से आपका जो बी बैटरी है वो 1 वोल्ट उसने जनरेट करना स्टार्ट कर लिया, ओके, 1 वोल्ट उसने जनरेशन स्टार्ट कर ली, तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो 2 वोल्ट है वो इसको भी सप्लाई देगा, ओके, और ये भी इसको थोड़ा सा सप्लाई देगा, तो इसी वजह से यहाँ पे एक सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अनइक्वल EMF की वजह से सर्कुलेटिंग करंट इनके आपस में सर्कुलेट होगा, ओके, यहाँ पे इस तरह करंट सर्कुलेट होगा, यहाँ पे भी करंट सर्कुलेट होगा। तो इसी तरह हमारे पास जो
वाइंडिंग्स होती हैं, ओके, जो हमारे पास वेव वाइंडिंग होते हैं, तो वेव वाइंडिंग आपके जो पोर्स हैं वो उन सब को कवर करता है, ओके। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो जनरेटर होते हैं वहाँ पे किस तरह ये जनरेटर होते हैं। अक्सर हमारे पास इस तरह होता है, जो योक है, ओके, योक और योक एंड कोर्स हैं, ओके, उनकी जो कनेक्शन होती है वो सही नहीं होती। लेट्स से योक एंड कोर कनेक्शन ऑफ वन पोल वो सेम नहीं होता, नॉट इक्वल टू द योक एंड कोर कनेक्शन ऑफ सेकंड पोल, ओके। तो इसी वजह से भी होता है। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास अक्सर इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं वाइंडिंग में, तो एक वाइंडिंग में इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होंगी, दूसरे वाइंडिंग में इम्प्योरिटीज़ कम होगी, तो उसी वजह से भी ये मसला आ जाता है। और अक्सर इस तरह होता है कि हमारे पास जो पोल्स होते हैं, ओके, एक पोल्स का जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो भी डिफरेंट होता है दूसरे पोल्स से। वैसे तो हमें सेम नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा माइन्यूट वो डिफरेंस होता है, तो उन डिफरेंस की वजह से भी आपका जो एक पोल में आपका जो ईएमएफ जनरेट होगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द ईएमएफ जनरेशन इन द अदर पोल, ओके, इन द अदर्स पोल। तो इसी वजह से ये डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से आपका करंट सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या होता है वेव वाइंडिंग में हमारे पास इस तरह होता है कि वेव वाइंडिंग में हम सारे, यानी इस तरह के वेव शेप में हमारे पास वाइंडिंग होता है जो कि सारे पोल्स को कवर अप करते हैं, ओके। आपका एक पाथ भी सारे पोल्स को कवर अप करते हैं, दूसरा पाथ भी आपके सारे पोल्स को कवर अप करते हैं। पैरेलल पाथ में अगर चेंजेस आएंगी तो वो सेम चेंजेस इस पैरेलल पाथ में भी आएंगे, ओके। तो इसी वजह से सेम चेंजेस आ जाते हैं, तो सेम चेंजेस आने की वजह से दोनों में ईएमएफ भी अप डाउन सेम ही होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर आपका जो सर्कुलेटिंग करंट है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, ओके, और आपके ब्रशेस पे वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो इसी वजह से हम यहाँ पे इक्वलाइजर रिंग को यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इक्वलाइजर रिंग को हम लैप वाइंडिंग में यूज़ करते हैं। तो लैप वाइंडिंग में हमारे पास क्या होता है, एक कोयल आपका सुपरइम्पोज होता है दूसरे कोयल पे। मैंने जिस तरह आपको डिस्कस किया लास्ट लैप वाइंडिंग में कि हमारे पास यहाँ पे एक कोयल आपका फर्स्ट कोयल सेकंड कोयल के ऊपर नहीं आएगा, लेकिन लैप वाइंडिंग में आपका फर्स्ट कोयल सेकंड कोयल के ऊपर आएगा, ओके। तो इसी तरह इसी वजह से हमारे पास जो स्लॉट्स होते हैं वो हमारे पास इस तरह होते हैं कि वो उसमें एक पैरेलल पाथ के लिए एक कुछ स्लॉट्स होंगे, कुछ स्लॉट्स आपके दूसरे पैरेलल पाथ को कवर करेगा, कुछ स्लॉट्स आपके तीसरे, इस तरह फोर्थ, ओके। तो फोर पोल्स होते हैं और फोर पैरेलल पाथ हो जाते हैं, ओके, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस तरह हो जाता है कि इस पोल का अगर योक और कोर का कनेक्शन सेम टाइट है, बहुत ज़्यादा टाइट है, लेकिन इसका थोड़ा सा लूज़ है, तो इसी वजह से आपका एक सर्कुलेटिंग करंट इसमें फ्लो करना स्टार्ट कर लेते हैं, ओके। या ज्योमेट्रिकल शेप्स पोल्स के वो थोड़े डिफरेंट हैं, तो उसी वजह से भी आपके लैप वाइंडिंग में सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसी वजह से आपका जो बाय ब्रशेस होते हैं, ओके, यहाँ पे जो ब्रशेस होते हैं तो ये यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं, ओके, इस तरह। तो डिफरेंट ईएमएफ की वजह से यहाँ पे आपको इसमें करंट आई वन मिलेगा, डिफरेंट ईएमएफ की वजह से यहाँ पे करंट आपका सेम नहीं होगा, आई टू हो जाएगा, और ये आई थ्री, तो ये बहुत ज़्यादा हाई होगा, ये कम होगा, तो ये करंट यहाँ पे आएगा, तो ये करंट जब इसके साथ टकराएगा तो एक स्पार्क प्रोड्यूस होगा, ओके। तो स्पार्क प्रोड्यूस होगा, स्पार्क की वजह से आपका हीट प्रोड्यूस हो जाएगा और आपका हीट जो है वो डिस्ट्रॉय कर लेगा किसको, आपके ब्रशेस को, ओके। तो आपके ब्रशेस को डिस्ट्रॉय कर लेगा। तो इसी वजह से हम लैप वाइंडिंग में इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ पे हम इक्वलाइजर रिंग यूज़ कर लेते हैं, कॉपर का रिंग होता है जो सारों वाइंडिंग्स को शॉर्ट सर्किट कर लेता है, और यहाँ से फिर हम एक ही पाथ ब्रशेस को देते हैं, ओके, ये पाथ आपका ब्रश के साथ कनेक्ट होता है। इसी तरह यहाँ पे भी इक्वलाइजर रिंग लगा लेते हैं और एक ही पाथ ब्रश को देते हैं, इस तरह यहाँ पे भी। तो इससे क्या होगा,
इससे ये होगा कि यहाँ पे अगर ईएमएफ ज़्यादा है और यहाँ पे कम है तो वो करंट इस तरह आएगा और इस तरह इसमें फ्लो होगा, ओके। लेकिन आउटपुट पे आपको सेम करंट मिलेगा, तो सेम करंट की वजह से कोई स्पार्क भी प्रोड्यूस नहीं होगा और यहाँ पे ब्रश को आपका एक यूनिफॉर्म करंट रिसीव होगा, ओके। तो इसी वजह से ये जो आपका जो शॉर्ट सर्किट इक्वलाइजर रिंग है, ये सारे ईएमएफ हैं जो उनको सेम कर लेते हैं, ओके। अच्छा, लास्ट एक पॉइंट है, उसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो हमारे पास जो ईएमएफ का फार्मूला होता है वो आपके इक्वल होता है एन पी पाई जेड बाय 60 ए। तो यहाँ पे ए जो है दैट्स इक्वल टू 2 फॉर वेव वाइंडिंग एंड ए इज इक्वल टू पी, पी इज द नंबर ऑफ पोल्स फॉर लैप वाइंडिंग, ओके। सो अगर आपको इस वीडियो से इन दोनों टॉपिक्स में अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई बात आपको समझ नहीं आई, तो आप उस क्वेश्चन को आप जो आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप इस तरह कर लो कि कमेंट बॉक्स में पुट अप कर लो, तो मैं कोशिश करूंगा कि वहां पे आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आंसर कर सकूं। अच्छा, अगर आपने कोई टॉपिक सजेस्ट करने के सर काइंडली इस टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो बना लो, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो बना लूँ। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग।